मित्रों नमस्ते। आइए हम बलराम चौरसिया और लॉजी बीएल नॉलेज पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग सफल होइए, यही हमारी कामना और कार्य करने का उद्देश्य है। मित्रों आज पढ़ेंगे क्यूबॉइड। इसमें देखिए आयतन पढ़ते हैं, आयतन मतलब वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एनीथिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। किसी भी वस्तु द्वारा छेका गया स्थान उसका वॉल्यूम होता है। इसका मात्रक मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब होता है, क्योंकि आयतन जो होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का गुणनफल होता है। यदि लंबाई मीटर में है, चौड़ाई मीटर में है, ऊंचाई मीटर में है, तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर मीटर क्यूब हो जाता है। उसी तरह सेंटीमीटर, किलोमीटर क्यूब। अब देखिए सरफेस किसे कहते हैं, लेयर्स विच कवर एनीथिंग इज कॉल्ड सरफेस। पृष्ठ जो किसी वस्तु को घेरते हैं सरफेस यानी सतह कहलाते हैं। सरफेस इज एरिया ऑफ लेयर्स। सतह जो होता है वो पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है। सो यूनिट ऑफ सरफेस इज मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। अब चूंकि पृष्ठ जो होता है आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार होता है, और पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यदि लंबाई मीटर में है, चौड़ाई मीटर में है, तो मीटर गुणा मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी तरह से होता है। तो जब सतह पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है और पृष्ठ का मात्रक मीटर स्क्वायर है, तो सतह का भी मात्रक मीटर स्क्वायर होगा। आइए घनाभ पढ़ते हैं। छह पृष्ठ से घिरी आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ आयत हो, सम्मुख पृष्ठ बराबर हो, घनाभ कहलाता है। देख लीजिए एक घनाभ के आकार का दिया सलाई, इसमें छह पृष्ठ होते हैं। देखिए एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, चार हो गया, इधर पांच, इधर छह, छह पृष्ठ होते हैं और छह पृष्ठ आयताकार होते हैं। देखिए यह पृष्ठ, इसका लंबाई, यह लंबाई बराबर होगा, यह चौड़ाई बराबर होगा। इसी तरह नीचे का पृष्ठ का भी होगा, तो लंबाई लंबाई के बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है, तो यह आयताकार हो गया। तो नीचे वाला भी आयताकार होगा, इधर वाला भी आयताकार, इधर वाला भी आयताकार, सभी आयताकार पृष्ठ होते हैं इसके। अब इसमें आपको पढ़ना है सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, तो ये इस पृष्ठ का जितना क्षेत्रफल होगा नीचे वाले पृष्ठ का उतना ही क्षेत्रफल होगा, सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं। अब इसमें आठ शीर्ष होते हैं। इस फिगर में देखिए आठ शीर्ष यानी कोना, एक दो ए डी एस पी, चार हो गए, पांच छह सात आठ, आठ कोना हो जाते हैं। इसमें आप देख लीजिए आठ शीर्ष होते हैं, एक दो तीन चार और नीचे चार, आठ शीर्ष हो गए। सतह छह होते हैं, एक सतह ऊपर, एक सतह नीचे, दो तीन चार, इधर पांच, इधर छह, छह इसके सतह होते हैं। और इसके भुजा या किनारा बारह होते हैं। देख लीजिए बारह इसका भुजा या किनारा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चार भुजा हो गया। अब इधर देखिए चार, एक दो तीन चार, चार भुजा ये हो गया, तो चार चार आठ हो गया। इधर देखिए एक दो तीन चार, चार इधर भी हो गए, तो चार प्लस चार प्लस चार मतलब बारह, बारह इसके किनारा या भुजा होते हैं। इसमें भी आप देख लीजिए, यहां देखिए एक दो तीन चार, चार ऊपर हो गया तो चार नीचे भी हो गया, तो आठ भुजा हो गया। अब इधर देखिए एक भुजा, दो भुजा और नीचे भी दो, चार भुजा इधर हो गए, तो आठ भुजा और ये चार भुजा मतलब बारह भुजा होते हैं, किनारा होते हैं। अब घनाभ का आयतन निकालना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब घनाभ के समस्त पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो दो गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। देख लीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई का दो सतह मिलेगा आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई, एक सतह नीचे हो गया तो एक सतह ऊपर भी लंबाई गुणे चौड़ाई का, तो एक का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई एल गुणे बी, तो दो का निकालना है तो दो एल बी हो जाएगा। उसी तरह चौड़ाई और ऊंचाई के दो सतह आपको मिलेंगे, चौड़ाई और ऊंचाई, एक ये सतह एक ये सतह, तो एक का क्षेत्रफल बी गुणे एच होगा, तो दो का दो गुणे बी एच। और लंबाई और ऊंचाई के दो सतह आपको मिलेंगे, लंबाई और ऊंचाई के सतह एक ये हो गया एक नीचे वाला, तो लंबाई का सतह आपको दो मिल गया, तो दो का क्षेत्रफल लंबाई गुणे ऊंचाई टू एल एच होगा, तो तीनों में से दो कॉमन लेंगे तो टू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाता है। घनाभ का बिकोण या आयताकार कमरे में रखे गए अधिकतम छड़ की लंबाई या मास की लंबाई का सूत्र यही होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। एक क्वेश्चन देखिए, घनाभ की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, तब उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन और बिकोण निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो दो इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई।
तो ये हो गया 150 और ये 40 और ये 60, जोड़िएगा तो 250 में 200 गुणा करिएगा, 500 मीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको आयतन निकालना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 15 × 10 × 4, अब मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया, तो ये 600 मीटर क्यूब हो गया। अब आपको विकर्ण निकालना है, मतलब कमरे में रखे गए अधिकतम छड़ की लंबाई या बांस की लंबाई, तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, मतलब 225 + 100 + 16, रूट अंडर 341, 18.466 मीटर इसका विकर्ण आ गया, या अधिकतम छड़ की लंबाई या बांस की लंबाई। अब देखिए संदूक पढ़ते हैं, संदूक यदि संदूक ढकनदार हो तो भीतर की लंबाई के निकालने का सूत्र, बाहरी लंबाई घटाओ 2 × मोटाई, भीतर की आपको लंबाई निकालना है। देखिए भीतर की लंबाई आपको निकालना है, तो इधर से पटरा मान लीजिए जितना मोटा होगा, पटरा की मोटाई इधर होगी, इधर भी पटरा की मोटाई होगी, तो दोनों तरफ से मोटाई जब घटा लेंगे तब भीतर का लंबाई निकलेगा। तो इसी तरह से हो जाता है, 2 मोटाई इसमें मिल रहा है, इधर का मोटाई इधर का मिटाई, तो इसलिए 2 × मोटाई हो जाता है। तो भीतर की लंबाई निकालना है, तो बाहरी लंबाई में से 2 × मोटाई कर लेते हैं, घटा लेते हैं। उसी तरह भीतरी चौड़ाई निकालना है, तो बाहरी चौड़ाई में से 2 × मोटाई, भीतरी मान लीजिए चौड़ाई आपको निकालना है, ये चौड़ाई निकालना है, तो इधर का भी पटरा मोटा होगा इधर का भी पटरा मोटा होगा, तो दोनों तरफ के मोटाई को घटाएंगे तब भीतर की चौड़ाई निकलेगा। अब देखिए आपको भीतरी ऊंचाई निकालना है, तो बाहरी ऊंचाई घटाओ 2 × मोटाई, तो भीतरी आपको ऊंचाई निकालना है, इधर ऊंचाई निकालना है, तो इधर से भी पटरा का मोटाई घटाएंगे, इधर से भी पटरा की मोटाई घटाएंगे, तो 2 × मोटाई घटा लेंगे इसमें से। अब बाहरी लंबाई निकालना है, तो भीतरी लंबाई प्लस 2 × मोटाई, अब पूरा आपको बाहरी लंबाई निकालना है, तो दोनों तरफ पटरा की मोटाई भी जुड़ेगा इसमें, तो 2 × पटरा की मोटाई भी जुड़ जाता है उसमें। अब बाहरी चौड़ाई निकालना है, तो उसी तरह भीतरी चौड़ाई प्लस 2 × मोटाई, उसी तरह बाहरी ऊंचाई निकालना है, तो भीतरी ऊंचाई प्लस 2 × मोटाई। अब यदि संदूक बिना ढक्कन का हो तो भीतरी लंबाई बराबर होगा, भीतरी लंबाई घटाओ 2 × मोटाई, भीतरी चौड़ाई होगा बाहरी चौड़ाई घटाओ 2 × मोटाई, और भीतरी ऊंचाई होगा बाहरी ऊंचाई घटाओ मोटाई, और बाहरी लंबाई होगा भीतरी लंबाई प्लस 2 × मोटाई, और बाहरी चौड़ाई होगा भीतरी चौड़ाई प्लस 2 × मोटाई, और बाहरी ऊंचाई होगा भीतरी ऊंचाई प्लस मोटाई। अब संदूक या बंद संदूक किसी लकड़ी या धातु का बना है, तो उस लकड़ी या धातु का आयतन निकालने का सूत्र होता है, बाहरी आयतन घटाओ भीतरी आयतन। देखिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, ढक्कनदार संदूक की आंतरिक माप है 115 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई 135, 115, चौड़ाई 75 और ऊंचाई 35, तथा उस लकड़ी का आयतन निकालिए जिस लकड़ी का मोटाई 2.5 सेंटीमीटर है। लकड़ी का आयतन निकालना है आपको, ये लकड़ी की मोटाई जो पटरा बना है उस पटरे की मोटाई है 2.5 सेंटीमीटर। अब बक्स की बाहरी माप आपको निकालना है, बक्स की बाहरी माप, तो बाहरी लंबाई निकालना है, बाहरी लंबाई निकालना है, तो दोनों तरफ से 2.5 मतलब 2.5 सेंटीमीटर पटरा का मोटाई इसमें जुड़ेगा, अंदर वाले, अंदर 115 है तो बाहर वाला भी पटरा का मोटाई जो है जुड़ेगा, तब तो बाहरी लंबाई निकलेगा। तो देखिए 115 अंदर का है, इधर भी 2.5 सेंटीमीटर, इधर भी 2.5 सेंटीमीटर पटरा की मोटाई जुड़ेगा, तो आपको 115 में 5 जुड़ जाएगा, तो 120 मीटर बाहरी लंबाई हो जाएगा। उसी तरह चौड़ाई देखिए, चौड़ाई आपको 75 है, तो दोनों तरफ से पटरा 2.5 सेंटीमीटर जुड़ेगा, तो 5 इसमें जुड़ जाएगा, तो 80 हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर बाहरी चौड़ाई हो जाएगा। अब बाहरी ऊंचाई जोड़ना है, तो उसी तरह इधर पटरा की ऊंचाई और इधर पटरा की ऊंचाई मतलब मोटाई 2.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ जुड़ेगा, तो 5 सेंटीमीटर इसमें भी जुड़ेगा, तो 40 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा बाहरी ऊंचाई। अब बाहरी आयतन निकालना है, तो इसको गुणा कर दीजिएगा, 120 × 80 × 40, और इसमें से आंतरिक आयतन निकालना है, तो आंतरिक दिया है 115 × 75 × 35, अब आप इसको गुणा कर दीजिएगा, तो बाहरी आ जाएगा 3,84,000 और अंदर का आ जाएगा 3,01,875, घटाइएगा तो 82,125 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का आयतन आ जाएगा। अब देखिए एक घनाभाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, और चौड़ाई उसके लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है, तो टंकी की लंबाई निकालिए, तो माना कि टंकी की लंबाई एक्स है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, एक्स का 1/3 मतलब 1/3 इसकी ऊंचाई हो गई। अब प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न के अनुसार कि चौड़ाई उसका जो है लंबाई और ऊंचाई के अंतर का 1/3 का 1/2 है,
लंबाई एक्स है और ऊंचाई है एक्स बटे तीन, इसका एक बटे तीन का एक बटे दो। अब देखिए ये 2x हो जाएगा बटे तीन गुणे, ये एक बटे तीन गुणे एक बटे दो, दो से दो कट जाएगा और ये आ जाएगा ऊपर एक्स और नीचे तीन त्रिका नौ। अब कह रहा है टंकी का आयतन पहले से दिया है 216, तो अब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई एक्स है आ चौड़ाई है एक्स बटे नौ गुणे ऊंचाई है एक्स बटे तीन, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये 9 3 27 216 में गुणा हो जाएगा जाके, तो एक्स क्यूब 216 को 6 गुणे 6 गुणे 6 लिखेंगे और 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3, तो आपको घाना क्यूब निकालना है, तो 3 को 6 का बदला 1 6 और 3 को 3 का बदला 1 3, मतलब 18 डेसीमीटर इसका क्या हो गया लंबाई हो गया टंकी का। एक साबुन की टिकी का माप, साबुन का आकार है 8 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर, और एक बॉक्स का माप दिया है 56 सेंटीमीटर गुणे 35 सेंटीमीटर गुणे 28 सेंटीमीटर, तो इस बॉक्स में कितना साबुन को रखा जा सकता है, कितना पैक होगा, तो साबुन की संख्या निकालना है, तो बॉक्स का आयतन निकाल के उसमें साबुन का आयतन से भाग दीजिएगा तो निकल जाएगा साबुन की संख्या। तो बॉक्स का आयतन 56 गुणे 35 गुणे 28 और साबुन का 8 गुणे 5 गुणे 4, तो 8 7 56, 5 7 35 और 4 7 28, तो 7 में 7 से गुणा करिए 3 बार, तो 343 साबुन आ गए, 343 साबुन उसमें रखा जाएगा। अब सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करिए जिसको 4 मीटर चौड़ा 5 मीटर लंबा और 2 मीटर ऊंचा घर में रखा जा सके, तो कमरे का विकर्ण निकालना है, चाहे विकर्ण निकालिएगा वही छड़ की लंबाई होता है, तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ जाएगा, तो √45 मतलब 3√5 मीटर छड़ की लंबाई या बांस की लंबाई होगी जो इस घर में रखा जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय माँ सरस्वती, आप सबों का दिन मंगलमय हो।